हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन ट्रांसफर फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर ये ऑफिशियल ऑर्डर देख रहे हैं, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारे जो एनुअल ट्रांसफर फॉर्म है अब आ चुके हैं। किस तरह से इसे फिल करना है, इसके रिगार्डिंग में इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ये जानेंगे किस तरह से हमारी आईडी जनरेट होगी और हमें जो पासवर्ड है वो किस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा, कि जो ट्रांसफर फॉर्म को भरने का प्रोसीजर क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद पासवर्ड और ये प्रोसीजर जानने के बाद कि किस तरह से हमारा वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद कुछ जो जनरल गाइडलाइन जो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर की तरफ से हमें जो दी जा रही है गाइडलाइंस, उसे जानेंगे। और फाइनली लास्ट में हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी हमारी क्या होगी, यानी किस तरह से किस डेट पे क्या क्या काम होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये ट्रांसफर फॉर्म से रिलेटेड ये ऑफिशियल ऑर्डर देख रहे हैं, इससे पहले एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी 7 जुलाई को, जिसके अंदर से केंद्रीय विद्यालय के जो 25 रीजनल ऑफिस हैं, इन सबके डीसी एसी इन सबके साथ एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी ऑनलाइन मीडियम पे, जिसमें प्रिंसिपल भी जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं सभी के पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और साथ के साथ जो कुछ टीचिंग स्टाफ और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह से आईडी जनरेट होगी, किस तरह से फॉर्म भरने का प्रोसीजर होगा, वेरिफिकेशन किस टाइप से होगा, और जो जनरल गाइडलाइन क्या होगी, और लास्ट में कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये मीटिंग कंडक्ट की गई थी। अब सबसे पहले हम लोग जो है किस तरह से आईडी जनरेट होगा और हमें पासवर्ड और जो आईडी में मिलेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो केंद्रीय विद्यालय का जो हेडक्वार्टर की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे ही हमें एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। ये जो आईडी क्रिएट करने का काम है ये कंट्रोलिंग ऑफिसर करेगा। कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि केंद्रीय विद्यालय में जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, वो हमारे लिए ये आईडी जनरेट करेंगे। यानी कि आईडी जनरेट करने का काम कंट्रोलिंग ऑफिसर का होगा, जो कि हमारे जो हमारे जो ईमेल आईडी और हमारा जो मोबाइल नंबर होगा उसके भी ईमेल के थ्रू और ईमेल के अलावा जो एसएमएस के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि जो भी हम क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड, उसके ईमेल आईडी जो हमारा खुद का होगा और जो हमारा मोबाइल नंबर होगा उसके थ्रू हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस अगर हम लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, जो भी डिफॉल्ट पासवर्ड हमें दिया गया था, तो हम लोग कंट्रोलिंग ऑफिसर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके दोबारा से इसे जनरेट करवा सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब यह है, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं तो केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे वो कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और वो आरओ लेवल पे काम करते हैं तो जो डीसी होंगे वो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो दोबारा रीजनरेट करवा सकते हैं अगर पासवर्ड इनकेस भूल जाते हैं। इनकेस ऐसा होता है कि कोई स्कूल ऐसा है जो कि छुट्टी पे है यानी हॉलीडे है, तो इस कंडीशन में जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा वो उस एम्प्लॉय को राइटिंग में, ईमेल के थ्रू या फिर टेलीफोनिक तरीके से, यानी किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करके उसे आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। यानी कि होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो कंट्रोलिंग ऑफिसर की होगी कि सभी को आईडी और पासवर्ड मिल जाए। ठीक है, तो जैसे आईडी पासवर्ड जनरेट होगा उसके बाद नेक्स्ट काम होगा कि प्रोसीजर क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने का। तो बेसिकली इस फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में जो भी इम्प्लॉई हैं उनकी सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी, और ये सभी के लिए मैंडेटरी है कि भाई अपनी इम्प्लॉई प्रोफाइल जो है इसे फिलअप करना, डिटेल सारी फिल करना। उसके बाद जो फेज 2 होगा, इसके अंदर जो लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें ये फॉर्म फिल करना है, और जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चॉइस स्टेशन वो भर पाएंगे। यानी कि पहले तो ये काम हो गया कि फेज 1 के अंदर इम्प्लॉई की जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल फिल की जाएगी, और उसके बाद जो सेकेंड फेज में होगा वैकेंसी पोजीशन के अकॉर्डिंग जहां भी हम अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा जब ये फॉर्म का जो फेज 1 फिलअप करेंगे तो उसके अंदर एक बार एम्प्लॉई जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा उसके लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम होगा, ड्यू डेट होगा। उस ड्यू डेट के बाद हमें ये अप्लाई फॉर्म वगैरह के डिटेल बाद में फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो भी लास्ट डेट होगा उस लास्ट डेट के अंदर ही हमें पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है, उसके बाद हमें कोई चांस नहीं दिया जाएगा कि हम इसे दोबारा फिलअप कर सकें। उसके बाद अगर कोई इम्प्लॉयज के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी तरह का बेनिफिट उठाने के लिए, तो इस केस में उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएंगे। यानी कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है,
जो भी केवीएस के रिकॉर्ड्स में आपने ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, मिस्टेक कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है या किसी तरह का डिस्प्यूट आपके सामने आता है कि ट्रांसफर काउंट को लेकर के या डिस्प्लेसमेंट काउंट को लेकर के, तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्शन करना है आप करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद इसकी एक डिजिटल कॉपी यानी कि पीडीएफ फॉर्म में आपको इसे सेव करके रख लेना है और एक इसके बाद इसमें प्रिंट आउट लेकर के भी इसे आप संभाल के रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यानी कि आपको एक कॉपी संभाल के रखनी है डिजिटल फॉर्म में भी और इसके अलावा एक हार्ड कॉपी में भी आप संभाल के रख लेंगे। उसके बाद जैसे आपने इस फॉर्म को फिलअप कर लिया, ठीक है, तो आप अपने लेवल पे तो इसमें अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप चाहे तो उसके अंदर कोई भी चेंज करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में ये रहेगा कि अगर आपके प्रिंसिपल यानी कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उन्होंने वेरीफाई नहीं किया होगा तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। लेकिन एक बार अगर उन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया तो वेरिफिकेशन करने के बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रिंसिपल के वेरिफिकेशन करने से पहले सपोज कर लो आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, और उसके अंदर अभी आपने जब फॉर्म सबमिट किया तो उसमें आपको कुछ मिस्टेक पता नहीं लगी, लेकिन जब प्रिंसिपल वेरीफाई कर रहा है उसके अंदर पर्टिकुलर कोई मिस्टेक हो गई आपसे, अगर उन्होंने वेरीफाई नहीं किया अभी तक तो आप चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल के हैंडल पर, ठीक है, यानी उनकी आईडी से, और उसके बाद अगर वेरीफाई हो गया तो इसमें अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है, और जब वेरिफिकेशन होगा इनकेस आपके प्रिंसिपल या जो भी कमेटी स्कूल के अंदर बनेगी जो भी वेरीफाई करेगी उस टाइम आपको बिल्कुल विजिलेंट रहना है, ध्यान रखना है कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो अल्टीमेट जो होगा नुकसान एम्प्लॉय का ही होता है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है दिमाग में। उसके बाद जैसे आप ये फॉर्म का जो फर्स्ट फेज है इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट फेज होगा जिसके अंदर हमें इसका सेकंड फेज फिल करना है। सेकंड फेज का मतलब है जो एम्प्लॉई ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हैं और ट्रांसफर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन पे वो जाना चाहते हैं यानी जो भी उनका चॉइस स्टेशन है वहां के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन फेज वन में जो आपने फिल किया होगा उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ अब आप यहाँ पे अपने चॉइस स्टेशन वगैरह फिल कर सकते हैं। यानी कि पहले वाली इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते लेकिन फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उसके अंदर एक बार आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट करने के बाद इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ना ही टीचर्स के पोर्टल यानी कि एम्प्लॉय के एंड में कोई चेंजेस हो सकता है, ना ही इसके अलावा प्रिंसिपल यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा उसके लेवल पे कोई चेंज हो सकता है। यानी कि एक बार सबमिट हो गया इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर नहीं आ पाएगा। फर्दर इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन और इससे रिलेटेड जो हमारा जो केवीएस का जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, ठीक है, जिसमें हमने पैरा थ्री का जो फोर्थ पार्ट था जिसमें ये ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, फॉर्म फिल करने से पहले उसे एक बार आप जरूर रीड कर लेना, ठीक है। बाकी इसकी एक वीडियो भी मैंने डिटेल में बना रखी है ट्रांसफर पॉलिसी की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके अंदर आपको जो भी ट्रांसफर पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारा मैंने कवर किया हुआ है, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आपने फॉर्म फिल कर लिया और जो भी आईडी वाईडी जनरेट हो गई आपने फॉर्म फिल कर लिया, तो नेक्स्ट काम जो होगा वेरिफिकेशन का। तो आप लोग जानते हैं वेरिफिकेशन का काम प्रिंसिपल यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर करेंगे, तो वो एक तरह से पहले तो फर्स्ट फेज में जो फॉर्म आपने फिल किया होगा उसे वेरीफाई करेंगे, उसके अंदर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगा जो भी आपके सर्विस बुक में यानी कि सर्विस रिकॉर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ उसे मैच करके ये सारी इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आपसे सिग्नेचर भी करवाया जाएगा, यानी उसके अंदर आपके भी सिग्नेचर होंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है यानी कि वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो जो सेकंड फेज जब स्टार्ट होगा तो सेकंड फेज में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने फेज वन में फिल की होगी वो रीड ओनली मोड पर होगा, उसे सिर्फ आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड फेज जो है ये 19 जुलाई तक ये इसके इस डेट पर या इससे पहले भी स्टार्ट होकर ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसीजर है पूरा 10 से लेकर के 15 तक तो हमें फेज वन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करना है, कंप्लीट करना है, उसके बाद 15 से लेकर 19 तक के बीच में हमें सेकेंड फेज का जो फॉर्म वगैरह डिटेल है इसे फिल करना है। ये खासतौर पर ये डेट आपको याद रखनी है, इसके अंदर ही आपका ये सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप ये सारा काम कर लेते हैं उसके बाद किसी भी तरह का जो रिक्वेस्ट है आप नहीं डाल सकते कि आपको इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना है। यानी कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर लिया उसके अंदर किसी भी तरह का आप चेंज नहीं ला सकते हैं, किसी भी तरह का जो भी ये चीजें हैं इसको करेक्ट नहीं करवा पाएंगे। यानी कि एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया वो फाइनल है,
ठीक है। तो इससे पहले आप जो भी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्टली आपको फिल करनी है, और जो भी फेज वन में और फेज टू में दोनों टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फेज वन में जब आप फॉर्म फिल करेंगे फर्स्ट फेज के अंदर, तो सेकंड में जो वेरिफिकेशन से पहले आप इसके अंदर एडिट करवा सकते हैं, लेकिन फेज टू जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसके अंदर जो है एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप किसी भी लेवल पर इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप ट्रांसफर से रिलेटेड कोई बेनिफिट उठा रहे हैं, कोई केस वगैरह आपका बनता है जैसे स्पाउस केस है या फिर आप किसी ग्राउंड पर बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में जो भी सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग्स वगैरह होगी ये आपको यहां पे अपलोड करना होगा। और इसके अलावा इसकी हार्ड कॉपी यानी कि फिजिकल फॉर्मेट में इसे फिल करके अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को इसे सबमिट भी करवाना होगा, और उसके बाद जो भी मैंडेटरी फील्ड्स होंगे उस पर यहां पर टिक लगा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलअप करने की, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्म फर्स्ट फेज फिल करने के बाद, सेकेंड फेज फिल करने से पहले आपको एक टेंटेटिव वैकेंसी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो भी चॉइस स्टेशन भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से ये बात भी बोली गई है कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेंटेटिव वैकेंसीज जो प्रोवाइड की जाएगी, इसके अंदर कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकता है, ये टेंटेटिव होगी। यानी कि इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चेंजेस होता है, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपको बिना बताए बिना आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए इसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, ये पहली बात बोली गई। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि आपकी कोई भी ग्रीवांस है या डिस्क्रिपेंसी आ गई है आपकी एंड पे है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके रिलेटेड में, कोई कंप्लेन है या कोई भी रिक्वेस्ट आप डालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं फिल कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको थ्रू प्रॉपर चैनल ही इसे अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप अपने जो प्रिंसिपल है उसके एंड पे ही अपनी जो भी ग्रीवांस वगैरह रख सकते हैं, और उसके बाद जो भी ग्रीवांस वगैरह अगर प्रिंसिपल लेवल पे सॉल्व हो जाती है तो इट्स ओके, सॉल्व हो जाएगी। अगर फर्दर अगर ये प्रॉब्लम उनके लेवल पे सॉल्व नहीं हो पा रही है, रिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो इस प्रॉब्लम को वो आर ओ तक भेज सकते हैं, और फिर आर ओ में इसको जो भी इसके रिगार्डिंग में जो भी चीज़ें होनी है, वेरिफिकेशन होना है या चेंजेस करना है या कोई भी आपके जो डाउट्स वगैरह हैं इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। इनकेस आर ओ के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो डीसी के एंड पे इस ग्रीवांस को फर्दर हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे डायरेक्ट आप हेडक्वार्टर या आरओ नहीं भेज सकते हैं, बल्कि आप लोगों को थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आपको पहले प्रिंसिपल के पास उस प्रॉब्लम को लेके जाना होगा, उसके बाद जो भी प्रिंसिपल होंगे उसे आरओ तक लेके जाएंगे और आरओ के बाद ही हेडक्वार्टर जाएगा। यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसा कि केवीएस में बाकी चीजों के लिए काम होता है वैसे यहां पे भी काम होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ग्रीवांस वगैरह रख सकते हैं। अब आरओ लेवल पे इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी में 3 से 5 मेंबर को इस तरह का काम दिया जाएगा जो कि ये काम को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा फर्दर आरओ को भी एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया जाएगा जिसमें एम्प्लॉई वगैरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है या कोई प्रॉब्लम से वो डिस्कस की जा सकती है, जिसे आप जो भी प्रॉब्लम है उसे टेलीफोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से ये सारी जो प्रॉब्लम्स होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट कॉल वगैरह करके भी इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फॉर्म कैसे फिल करना है इसका एक लिंक जो भी होगा यह केवीएस हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट है यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड जो टेंटेटिव जो कैलेंडर जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो यही है कि इस ट्रांसफर गाइडलाइन जो हमारी 30 जून को ये आ गई थी, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि पूरी पॉलिसी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो उस वीडियो को जरूर देखना। इसके बाद यहां पे जो फर्स्ट फेज का जो काम होगा वो 10 से लेकर के यानी आज की डेट से लेकर 15 तक इसके अंदर ये जो फर्स्ट फेज का जो काम है फॉर्म फिल करने का ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके अंदर एम्प्लॉय की जो डिटेल वगैरह होगी इसके अंदर वो फिल किया जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज प्रोवाइड की जाएगी वो 15 जुलाई या फिर 16 जुलाई की ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर एम्प्लॉय की कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी पोस्ट की है, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। उसके बाद 16 से लेकर 19 जुलाई तक के बीच में सेकंड फेज के अंदर जो फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, यानी कि जो भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं जो भी चॉइस स्टेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर लेंगे, और 19 ऑनवर्ड जो भी वेरिफिकेशन का काम है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, और एंड ऑफ द मंथ यानी कि जुलाई के एंड तक में ही ट्रांसफर ऑर्डर वगैरह भी इशू कर दिया जाएगा। यानी कि ट्रांसफर प्रोसेस ये पूरा जो है जुलाई के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक भी नीचे दे सकते हैं, जितने भी डाउट्स हैं आपके मैं सबका रिप्लाई जरूर करूंगा, तो नीचे कमेंट में जरूर अपने डाउट्स वगैरह लिखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे अगर आप नहीं हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में।